दोस्तों, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत है। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ अयोध्या नगरी, और अभी मैं हूँ अयोध्या नगरी के कार्यशाला में, जहाँ की राम मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थरों में नक्काशी की जा रही है वो किस प्रकार से की जा रही है। तो एक वीडियो मैंने बनाया था राम मंदिर निर्माण कार्यशाला की, उसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस कार्यशाला में पत्थरों में जो नक्काशी की जा रही है वो दिखाऊंगा और बताऊंगा, और इस कार्यशाला में कार्य नक्काशी का है जो वो कितना पूर्ण हो चुका है और अभी कितना समय लगेगा राम मंदिर बनने में। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चलिए आप लोगों को आज घुमाते हैं एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण कार्यशाला को। ये बताइए आप, क्या नक्काशी का काम अभी चल रहा है पत्थरों में? नक्काशी का काम तो लमसम पूरा हो चुका है, ये अब काम चल रहा है सफाई का, फिनिशिंग का काम है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। जी जी जी, काम चल रहा है जी। तो इन पत्थरों में मतलब कि आप पत्थरों से इसे घिस कर रगड़ कर इसे चमका रहे हैं? हाँ। फिनिश कर रहे हैं। फिनिश कर रहे हैं जी, फाइनल जी, टच दे रहे हैं। अच्छा, फाइनल टच दे रहे हैं। टच होके यहाँ से मंदिर परिसर में जाएगा जी। ये वहाँ का पिलेंथ है, बीम है, ये बीम है। अच्छा, ये बीम है, पिलेंथ। पाए का काम हो चुका है, पिलेंथ का काम हो चुका है। ये आपका जो ये अब शिला देख रहे हैं, ये शिला आपकी बीम की बीम है। बीम है? हाँ, ये बीम है। अच्छा अच्छा। इसके बाद अब इसके ऊपर छत की जो है तैयारी है, छत ऑलरेडी बन के आ चुका है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिनिशिंग का काम अभी ये पढ़ने के बाद छत की फिनिशिंग काम, उसकी नक्काशी का काम हो चुका है। जी जी, राजस्थान से कम्प्लीट होके आया है। अच्छा, वो राजस्थान से कम्प्लीट होके आ चुका है। राजस्थान में 50% काम राजस्थान में चल रहा है, अभी यहाँ पे केवल फिनिशिंग का काम बाकी है। जी जी जी। तो भैया ये बताइए कि कितना समय लगेगा अभी और राम मंदिर? सरकार का निर्देश है, सरकार ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम जो है क्या नाम है मकर संक्रांति 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जी, उससे पहले हम लोग दिसंबर तक इस पत्थर को सफाई करके फिनिश करके यहाँ से भेज देंगे राम मंदिर का, राम मंदिर में जाके हो जाएगा। जी जी जी। भगवान का विग्रह वहाँ पे बैठेगा, भगवान के विग्रह में अभी बाकी मंदिर तो आपको 10 साल लग जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खाली भगवान का विग्रह है, वो विग्रह 2024 में तैयार होगा। 2024 के मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा राम मंदिर का। बाकी मंदिरें हैं जो वो तो बनती रहेंगी धीरे धीरे करके, 10 साल लग जाएगा। जी 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 जी। तो धन्यवाद आपका भैया जी इतनी जानकारी देने के लिए। ठीक है, हम तो राम मंदिर यहीं अयोध्या से लोकल ही हैं। अच्छा, आप लोकल से हो? हमने लोकल है, हमने जो है यहाँ पे कार्यशाला में जो कारनाम है राम जन्मभूमि में विध्वंस के टाइम में भी हमने अपनी कार सेवा किया था। अरे वाह, राम प्रभु की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि हम इसको निर्माण में भी हमारा योगदान है, और हम दोनों पति पत्नी दोनों ही इसमें सहयोग कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं आप भगवान से आप प्रार्थना करूँगा आपके लिए कि श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पत्थर रखे गए हैं, और ये बीम है बता रहे हैं हमको, अभी भैया जी ने बताया था कि ये बीम है। अब इसके ऊपर का जो छत है वो बता रहे हैं राजस्थान से बन के आ गया है, और बीम भी तैयार हो गया है। अब इसमें नक्काशी बहुत कम की जा रही है, यानी कि अब ख़त्म होने को आया है इसका निर्माण का जो नक्काशी का है। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें फिनिशिंग किस कुछ इस प्रकार से दे दी गई है इन पत्थरों में। तो ये जो पत्थर हैं बहुत ही नायाब तरीके के हैं, और इस पत्थरों से इस पत्थर में बड़े वाले पत्थर में घिस घिस कर इस पर फिनिशिंग दिया जा रहा है, और इसका कलर भी देखिए कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया है इस पत्थर का। तो भाई साहब, कुछ इस प्रकार से मैं आप लोगों को इन पत्थरों में नक्काशी जो की गई है या ये पत्थर हैं दिखा रहा हूँ, कितना काम पूर्ण हो चुका है इसमें। और बहुत खुशी मिल रही भाई साहब कि 2024 तक, यानी कि 2024 को राम मंदिर खुल जाएगा सभी लोगों के लिए, और ये जो कार्यशाला में नक्काशी का काम है वो आधे से ज़्यादा पूर्ण हो चुका है। ये वो पत्थर है जिनमें की नक्काशी कंप्लीट हो चुकी है पूर्णतया से, और इसको जो है अंदर पन्नी या थर्मल वो क्या बोलते हैं थर्माकोल वगैरह लगा के, प्लास्टिक वगैरह लकड़ी वगैरह लगा के सेफ़ तरीके से यहाँ रखा गया है, ताकि इस पर धूल मिट्टी से गंदा ना हो और ये टूटे फूटे ना। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से इतने ढेर सारे पत्थरों में नक्काशी फिनिशिंग वगैरह कर दी गई है। भैया जी जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से हो आप? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जगह? सिरोही। अच्छा, आप सिरोही ज़िले से हो। जी जी जी। तो आपको यहाँ राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में कितना समय हो गया काम करते हुए? अच्छा 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 जी, यानी कि अभी अभी आए हुए हैं आप। चलिए बहुत अच्छा, आप यहाँ काम कर रहे हैं ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा। तो आप इसमें मतलब ये फिनिशिंग दे रहे हैं क्या? फिनिशिंग। तो गाइस, जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भैया हैं अलग अलग औजार से जो है इसमें, ये जो थोड़ा अभी कम ठीक है तो उसे ठीक कर रहे हैं, मतलब फिनिशिंग दे रहे हैं इसमें।
तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भैया हैं छेनी हथौड़ी से जो अपना नक्काशी कर रहे हैं इस पे। अब राम मंदिर बनने के लिए भाई ये जो कार्यशाला में पत्थरों में कढ़ाई हो रही है ना, इसको कम से कम 20 से 22 साल हो चुके हैं भाई। जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से पत्थर है, पूरी तरह से फिनिश होकर अब राम मंदिर में जा रहा है। और ये गर्भगृह का पत्थर है भाई, और देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से क्रेन से उठा के ले जा रहे हैं। अभी इसे ना उस ट्राली में लोड करेंगे। गाइस एक बार यहाँ से आप लोग व्यू देख लीजिए कार्यशाला का किस प्रकार से दिख रहा है। लोग बराबर आते हैं यार, सुबह से लेके शाम तक आते रहते हैं लोग। और वो दोनों शालिग्राम शिलाएं हैं भाई, राम और सीता माता की, वहाँ मूर्ति बनने के लिए रखी गई कार्यशाला में। राम कथा कुंज में जो मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं, असम के जो कारीगर थे, दादा थे जो बहुत पुराने, वो इन मूर्तियों का जो है साँचा वगैरह, ढांचा वगैरह बनाया करते थे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ आ चुके हैं तो हमें पता चला कि वो दादा ख़त्म हो चुके हैं, एक महीना पहले एक्सपायर कर गए हैं। और उनके बड़े वाले लड़के हैं जो यहाँ काम करते हैं। तो एक बार फिर से राम कथा कुंज में मैं आप लोगों को इन मूर्तियों को दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है पूरा रामायण में जितना भी जैसे जैसे करके दिखाया गया है तो यहाँ वैसे वैसे करके मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ से मूर्तियाँ हैं जो बनाकर रखी गई हैं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं आप लोग सामने हैं बजरंग बली, और इस तरफ से फिर ऋषि मुनि वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो पूर्णतया से जब इसे फिनिश किया जाएगा कलर वगैरह करके इन मूर्तियों में, तो ऐसे होंगे ये देख सकते हैं आप लोग। और जो मतलब सादी अभी सिंपल सी हैं जिसमें फिनिशिंग दिया जा रहा है, वो इस प्रकार से मूर्तियां हैं ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये पूरा जो है रामकथा कुंज में, इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, आई थिंक 200 तक होंगी। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग बना के सजा के रखी गई हैं, और इस पर अभी काम बहुत बाकी है तो इसे पूर्ण होने में शायद और अभी कुछ टाइम लग जाएगा, ये देख लीजिए आप लोग। तो पूरी जो है राम कथा यहाँ दिखाई गई है, हर किसी को अलग अलग तरीके से यहाँ दिखाया दर्शाया गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये रावण है सामने, ये राम लक्ष्मण सीता हैं, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो है मूर्तियाँ बना के यहाँ अभी दिखाई गई है। और बाद में इन पे जो है पूरी तरह से कलर वगैरह करके पूरा फिनिश करके रेडी कर दिया जाएगा, फिर जो है राम मंदिर जहाँ बनेगा वहीं शायद इसे रखा जाएगा बाहर या अंदर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला, तो इधर है कार्यशाला, और कार्यशाला में हम आप लोगों को लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से पत्थरों में नक्काशी है, वो जो कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना अभी बाकी रह गया है। आप लोग यहाँ देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो पत्थर हैं, ये खंभे हैं भाई साहब, पिलर जिसे बोलते हैं। तो ये पिलरों का जो पत्थरों का जो काम है ना, वो पूर्ण हो चुका है और शायद अभी इस पर फिनिशिंग का काम बाकी रह गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से पत्थर यहाँ रखे गए हैं, और जो पिलर है ना आप देख रहे हैं ना कुछ इस प्रकार से जो है ये लॉक है, और एक पत्थर के दूसरे पत्थर में होल रहेगा, उस पत्थर में इसको होल में रख दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को बता दें कोई सरिया कोई सीमेंट बालू का यूज़ नहीं किया गया है, और इसी ये लॉक के तरह से जैसे ये आप देख सकते हैं ना सामने मेरे, ये दूसरे पत्थर में जो होल होगा उसी में इसको सटा के रख देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए श्री राम के नाम का किसी ने यहाँ एक ईंट ला के दिया हुआ है, और ये वाला है भाई साहब पिलर का पत्थर है, अभी इस पर देखिए फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग पिलर वाले पत्थर जितने भी हैं यहाँ बना करके, मतलब उस पर नक्काशी कर करके कटिंग कर करके यहाँ रख दिया गया है। तो भाई साहब बस एक साल और बचे हैं, एक साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, उसके बाद है जो जनवरी में मकर संक्रांति के बाद जो है राम मंदिर खुल जाएगा सब लोगों के लिए और दर्शन कर सकते हैं आप लोग। तो अभी हम आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं जो लास्ट ये कार्यशाला है, राम मंदिर निर्माण कार्यशाला, दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से पत्थरों में जो नक्काशी करके कंप्लीट करके रखा गया है। और कुछ कुछ पत्थर हैं अभी जिसमें नक्काशी करना थोड़ा बहुत बाकी रह गया है और फिनिशिंग करना बाकी रह गया है। तो मेरे आप चारों तरफ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पत्थर हैं जो रख दिए गए हैं। अच्छा, जो पत्थर जिस जगह लगेगा उन पत्थरों में यहाँ नाम लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये E16A करके लिखा गया है। तो जिस जगह जो पत्थर सेट किए जाएंगे
उस पत्थर में वैसे वैसे करके नाम लिख दिया गया है ताकि कि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जिस प्रकार से इन पत्थरों में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बारीक तरीके से इनमें जो है नक्काशी की गई है, ये देखिए। और हर एक पत्थर में नंबर लिखा गया है। और ये छत वाला पत्थर हमको लग रहा है, कुछ छत के पत्थर हैं जो यहाँ भी कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे करके यहाँ नंबर डाल दिया गया है इन पत्थरों में। आप ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं भाई साहब, यहाँ रखे गए हैं। और जब इनमें थोड़ा और फिनिशिंग दे दी जाएगी, उसके बाद इनको जो है फिर वापस ले जा के अच्छे से इसमें पन्नी वगैरह, थर्मोकोल वगैरह लगा के, लकड़ी वगैरह लगा के सेफ करके पूरी तरह से रख दिया जाएगा ताकि ये गंदे ना हों और इनमें कोई मतलब कि वो ऐसा कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये देख रहे हो आप लोग, कुछ इस प्रकार से हैं इन पत्थरों में, बहुत ही नायाब, बहुत ही बारीक तरीके से। कुछ कुछ पत्थरों में बिल्कुल सिंपल सादा सा आर्किटेक्चर किया गया है और किसी पत्थरों में ऐसे डिज़ाइन भी दिया गया है। तो ढेर सारे पत्थर इस तरफ लगे हुए हैं और आप लोग देख ही सकते हैं। और ये वाले पत्थर शायद ऊपरी हिस्से के हैं, हाँ ये देखिए, ये ऊपरी हिस्से के पत्थर हैं, ऊपर रखे जाएंगे। और पूरे राम मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगेंगे, जिस प्रकार से हर एक पत्थर में नक्काशी की गई है, जो वो सभी पत्थर यहाँ मौजूद हैं इस कार्यशाला में, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए, हर एक पत्थर के बाद एक पत्थर रखा गया है और इनमें अभी बस थोड़ा थोड़ा काम बाकी रह गया है, जो फिनिशिंग का काम है। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में जो पत्थर हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों से लाए गए हैं, वैसे ज़्यादातर राजस्थान से पत्थर लाए गए हैं। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थर में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है यहाँ, तो मैं आप लोगों को पढ़ के इसे सुनाता हूँ क्या लिखा गया है। प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर विवरण, लंबाई 268 फीट, 5 इंच, चौड़ाई 140 फीट, ऊँचाई 228 फीट, धरातल से शिखर मंदिर का अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंगमंडप, गर्भगृह जहाँ श्री राम लला विराजेंगे। मंदिर में 212 स्तंभ होंगे, पहली मंजिल में 106 स्तंभ, ऊंचाई 16 फीट 6 इंच होगी। दूसरी मंजिल में भी 106 स्तंभ, ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। प्रत्येक स्तंभ में 16 मूर्तियां होंगी। पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा, 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग। दूसरा चबूतरा होगा 4 फीट 9 इंच होगा, उसके ऊपर स्तंभ लगेंगे। पहली मंजिल 18 फीट, दूसरी मंजिल होगी 15 फीट 9 इंच, उसके ऊपर 16 फीट 3 इंच पेटी होगी। पेटी के ऊपर 65 फीट 3 इंच ऊंचा शिखर होगा। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ लिखा गया है जानकारी के लिए। राम मंदिर कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि कांच की पेटी में बन के मंदिर रखा गया है लकड़ी का। ये जो सामने देख रहे हो ना आप लोग, ये जो गेट बना हुआ है, यही राम मंदिर में मुख्य गेट बनेगा कुछ इस प्रकार से। अभी यहाँ इसे रखा गया है, जब राम मंदिर बन जाएगा तो वहाँ इसका गेट बनाया जाएगा। ये बहुत टाइम पहले के भाई नक्काशी कढ़ाई किए हुए यहाँ रखे गए हैं, क्योंकि इनमें देख रहे हैं ना काली काली काई सी लग गई है। तो ये बाद में जब इसे घिस देंगे ना, इसे फिनिशिंग देंगे, तो फिर क्लीन हो जाएगा। और ये बहुत टाइम पहले के, देखिए अंदर पेड़ भी जग गया है। तो ये जितने भी भाई साहब यहाँ वो रखे गए हैं पत्थर बड़े बड़े, ये सब नीचे के हैं भाई, पिलर के हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ रखे गए हैं। तो अभी ये पूरी तरह से मतलब रेडी नहीं है, रेडी है लेकिन इनमें फिनिशिंग थोड़ा दे दिया जाएगा, काई वगैरह हट जाएगी तो ये फिर अच्छे से चमकने लगेंगे। और ये कुल मिला के शायद 10 या 12 फुट के हैं भाई साहब। तो भाई राम मंदिर निर्माण के लिए इस कार्यशाला में बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में 14 जनवरी तक इस मंदिर को बन जाना है, क्योंकि चुनाव का भी समय आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है इस कार्यशाला में, और आधे से ज़्यादा पत्थर हैं जो वो राम मंदिर पहुँच चुके हैं। और मतलब अभी थोड़ा सा दिखाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में कि किस प्रकार से बन रहा है। वहाँ तक जाना तो अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, ना तो आम आदमी का वहाँ तक पहुँच पाना अलाउ है। तो कोशिश करेंगे आप लोगों को किसी भी तरह से कहीं से भी एक थोड़ा सा व्यू दिखाने की, जहाँ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। जी ये है तो सामने हर बलात्कारी बैठे रहते हैं सब जगह। आपको
गाइस, जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं चित्र में झलक श्री राम वन गमन स्थल प्रदर्शनी, और यहाँ जहाँ जहाँ श्री राम भगवान जी गए थे यहाँ से अयोध्या नगरी से, वो यहाँ चित्र के द्वारा यहाँ दिखाया दर्शाया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और कुछ जगहों के मैं आप लोगों को नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि ये इलाहाबाद का है भारद्वाज आश्रम में, इलाहाबाद का हो गया, ये यमुना घाट का हो गया, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जैसे कि ये बिलासपुर रतनपुर श्री राम टेकरी मंदिर बिलासपुर, भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद ये देखिए मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में, चित्रकूट भी गए थे। और हम बता दें आपको चित्रकूट में श्री राम भगवान शायद 12 या 13 वर्ष उन्हीं जंगलों में, चित्रकूट के जंगलों में अपना समय व्यतीत किए थे। ये है देखिए सोनभद्र उमरिया जिला उमरिया, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में, और यहाँ भी हैं भाई बहुत सी जगह गए थे श्री राम भगवान वन गमन के समय, जब उन्हें 14 वर्ष का जो है वनवास मिला था। तो जितनी भी प्रदर्शनी है ना वो ये इस अंदर में कार्यशाला के यहाँ कुछ इस प्रकार से दिखाया गया हुआ है। कार्यशाला में आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बहुत बड़ा सा घंटा रखा गया है, और ये तमिलनाडु से आया हुआ घंटा है। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि ये कितने कुंटल का घंटा हो सकता है भाई, यहाँ बाहर कहीं भी इसका वेट नहीं लिखा गया है, तो अंदाज़ा लगाइए और हमें कमेंट करके बताइए। गाइस, इस वाली जाली के अंदर अलग अलग राज्यों से अलग अलग कंट्री से आए हुए ईंट यहाँ रखी गई हैं, और राम मंदिर बनने से पहले जो बाबरी मस्जिद थी उसके बारे में भी बहुत ही डिटेल से बताया गया है इसके अंदर, ये जो आप लोग सामने देख सकते हैं लिखा गया है और पोस्टर में। और ये देख लीजिए आप लोग कुछ इस प्रकार से अलग अलग राज्यों से अलग अलग कंट्री से यहाँ ईंट लाए गए हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक ईंट है जो ये है बजरंग दल पश्चिम नागपुर से आया हुआ, ये लाल वाला ईंट दिख रहा है ना आपको, लाल लाल लिखा हुआ है जो ये, और ये है कैरेबियन, वो एक नीचे ईंट रखा है वो कैरेबियन से आया हुआ है, एक ईंट वो वहाँ है कनाडा से आया हुआ है, और वे है वो है वेस्ट जर्मनी से, और उसके ऊपर है अमेरिका से, फिर नीचे उसके तमिलनाडु से आया हुआ है, और रामेश्वरम से आया हुआ है वो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ जितने भी ईंट रखे गए हैं वो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग कंट्री से लाए गए हैं। और ये देख लीजिए ये मकराने का पत्थर है, और ये कहीं ना कहीं लगेगा राम मंदिर में, तो दो ऐसे करके इसमें जो है वो करके क्या बोलते हैं नक्काशी करके यहाँ रखा गया हुआ है पत्थर। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग बाबरी मस्जिद टूटी थी उसके बारे में यहाँ फुल डिटेल में लिखा गया है, और राम मंदिर था या नहीं था उसके बारे में भी पूरी डिटेल में यहाँ लिखा गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो भाई इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बस अब ज़्यादा साल या ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, बस कुछ ही महीनों में सारे पत्थर हैं जो यहाँ नक्काशी किए गए रखे गए हैं कार्यशाला में, वो यहाँ से उठ के चले जाएंगे राम मंदिर निर्माण में। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ थोड़े दिन बाद ये पूरा खाली हो जाएगा, सोना सोना सा लगने लगेगा। भाई सबसे पहले पत्थर जहाँ से भी आते हैं किसी भी राज्य से, तो सबसे पहले राम मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला न्यास है जो, सबसे पहले यहाँ पत्थर रखे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से पत्थर है दूसरे कार्यशाला में जाते हैं नक्काशी के लिए। बेहतरीन से बेहतरीन कारीगर हैं इस कार्यशाला में, रात को बज रहे हैं भाई 7 और अभी भी काम पे लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए किस प्रकार से पत्थरों में नक्काशी की जा रही है, और कारीगर भाई जितने भी हैं भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भाई साहब देख लीजिए कुछ इस प्रकार से राम मंदिर है ना जो निर्माण हो रहा है, भाई आधा बन गया है यार, ये देख लो आप लोग कुछ इस प्रकार से बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं पत्थर उठा उठा के ऊपर रखती हैं मंदिर के। तो भाई साहब राम मंदिर निर्माण कार्यशाला की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे तो मुसाफिर अनुराग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।